लोकसभा को भंग करो, भंग करो, भंग करो, जे एंड के असेंबली को डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, भाजपा सरकार, हाय हाय, जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करो, भंग करो, भंग करो, करो, जे एंड के असेंबली को डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो। जिस तरीके से असेंबली को गैर कानूनी सस्पेंशन में रखा हुआ है, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मुजम्मत करती है। गवर्नर महोदय ने एक आरटीआई के रिप्लाई में खुद तस्लीम किया है कि 2008 में भी ऐसे ही हालात बने थे और उस वक्त सिर्फ 3 दिन के लिए असेंबली को सस्पेंडेड रखा गया था और 3 दिन के बाद डिसॉल्व कर दिया गया था। 7 जुलाई को गुलाम नबी आज़ाद साहब की सरकार गिरी और असेंबली को सस्पेंड किया गया और 10 जुलाई को उसको डिसॉल्व कर दिया गया। आज 4 महीनों से असेंबली को सस्पेंडेड आपने किस कानून के तहत रखा हुआ है, ये हम जानना चाहते हैं। इस असेंबली को फौरन जो है वो भंग किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो पैंथर्स पार्टी ना केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगी इसके डिसोल्यूशन के लिए, और जिस अधिकारी ने गैर कानूनी तरीके से इसको सस्पेंडेड रखा हुआ है उसकी जवाबदेही तय करने की बात करेगी। और पार्लियामेंट के बाहर जाकर भी आने वाले दिनों में पैंथर्स पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी। कश्मीर विधानसभा को भंग करो, भंग करो, भंग करो, करो, जेएंडके असेंबली को डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करो।